या न्यायालय अगर बीच में नहीं होता तो संभवतः अब तक वे आतंकवादी बाहर छूट करके पुनः नरसंहार कर रहे होते, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर और प्रदेश के अंदर हुआ है। और उसके बाद भी ये कहते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा बनी रहे। महोदय, चर्चा का विषय होना चाहिए कि आखिर सांप्रदायिक कौन है, कौन है सांप्रदायिक, कौन सांप्रदायिक है। और मुझे लगता है इस पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है। महोदय, जो हम लोगों ने जाना है, जो हम लोगों ने समझा है, इस सांप्रदायिक वह होता है जो कहता है कि मेरा इष्ट या मेरा देव या मेरा पैगंबर ही सर्वश्रेष्ठ है। उसके मानने वालों को तो जीवित रहने का अधिकार है, शेष को नहीं। मुझे लगता है वह सांप्रदायिक है। हिंदू जीवन दर्शन कभी इस बात की इजाजत नहीं देता। हमने किण्वन्तो विश्वारम्भ का संदेश दिया था, हमने सर्वे भुंत सुखिना का संदेश दिया था, हमने तो इस देश के अंदर एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति की बात की है, जियो और जीने दो पर विश्वास हमारा दर्शन करता है। और दुनिया की कौन सा मजहब और कौन सा ऐसी कौम है जिसको विपरीत परिस्थितियों में सिंधु दर्शन ने अपने यहां शरण न दी हो, उसको फलने फूलने का अवसर न दिया हो, कौन सा ऐसा है दुनिया के अंदर। लेकिन आज जिस हिंदू दर्शन को, जिस हिंदू दर्शन ने सबको शरण दी, सबको फलने फूलने का भरपूर अवसर दिया, आज जब उसी के खिलाफ खड्यंत्र होना प्रारंभ होता है तो उसे एकजुट होना तो पड़ेगा ही। और मुझे लगता है इन लोगों के कर्मों का फल है कि पूरे देश का हिंदू जनमानस आज इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि उसके खिलाफ आज शासन तंत्र से जो खड्यंत्र हो रहे हैं उसका जवाब अपने स्तर पर देना ही पड़ेगा। और आज वही स्थिति सामने आई है। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, जब भारत का मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है, महोदय जब हज यात्रा करने के लिए जाता है उसकी पहचान तब भारतीय के नाम पर नहीं, पाकिस्तानी के नाम पर नहीं, बांग्लादेशी नाम पर नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप का जो भी मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है उसकी पहचान हिंदू नाम पर होती है, उसकी पहचान भारतीय पाकिस्तानी या बांग्लादेश के नाम पर नहीं। लेकिन अगर उसी हिंदू पहचान को हम इनके ऊपर यहां पर लागू करने का प्रयास करते हैं, इनको बुरा लगता है। हिंदू सांप्रदायिकता नहीं, हिंदू राष्ट्रीयता का प्रतीक है। और भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक सिंधुत्व को बदनाम करोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इन लोगों को। और इसलिए महोदय, मैं आप सबके आपके माध्यम से एक बार कहना चाहता हूं, महोदय एक बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, अगर भारत को समझना है बैठ गए आप, तो बात करते हैं। महोदय, उन्होंने कहा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि अगर भारत को समझना है तो हमें भारतीय अस्मिता को पहचानना पड़ेगा, और भारतीय अस्मिता को पहचानना है तो स्वामी विवेकानंद के बारे में आप जान लीजिए। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो मैं हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद तो सांप्रदायिक नहीं थे, स्वामी विवेकानंद तो किसी पार्टी के नहीं थे, स्वामी विवेकानंद ने तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था पूरी दुनिया के अंदर। और दुनिया के अंदर जो हिंदू आज पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपनी सहिष्णुता के लिए पहचाना जाता था, आज उस हिंदू के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, वह कश्मीर से विस्थापित होता है, उसे कश्मीर से निकाला जाता है। एक भी बार इस सदन में चर्चा नहीं होती है, इन लोगों का मुंह नहीं खुलता जब कश्मीर से 3.5 लाख की संख्या में कश्मीरी पंडित निकाले जाते हैं, तब ये लोग नहीं बोलते। पिछले 2012 में असम के अंदर 3 महीनों तक बोडो जनजाति के लोगों को मारा जाता रहा, कोई नहीं बोला। महोदय, कोई नहीं बोला। जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के मारने पर कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया, एक भी बार ये लोग बोले नहीं, इनको पीड़ा नहीं हुई।
दुनिया के अंदर ही अपने आप में बिरला उदाहरण था, जहां पर अपने ही देश में अपने ही जानने वाले लोग विस्थापित होकर के खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं। उस शर्मनाक घटना की निंदा एक भी बार इन लोगों ने नहीं की। मुंबई के दंगों पर ये लोग मौन रहे। जमशेदपुर और भागलपुर के दंगे कांग्रेस के समय हुए थे, एक भी बार इन लोगों ने उस पर चिंता व्यक्त नहीं की। और तो और 1984 में इस देश के अंदर जिन सिख गुरुओं का योगदान इस देश को बचाने और इस देश की धर्म और संस्कृति और इस देश के समाज को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण थी, उन सिखों के कत्लेआम पर भी इनको शर्म महसूस नहीं होती है। और आज लोग इस देश के अंदर बात करते हैं सांप्रदायिक सौहार्द की, इनका पूरा चेहरा सांप्रदायिक हिंसा से रंगा हुआ है, सांप्रदायिक एजेंडे से रंगा हुआ है। और इसीलिए बंधु महोदय, इस देश के अंदर असम में क्या हो रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठिए इन लोगों के अपने हो गए, और इस देश में लाखों वर्षों से रहने वाला समुदाय पराया हो गया।